हस्तमैथुन खराब नहीं है, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मैंने जो पहले वीडियो डाला था हस्तमैथुन के बारे में, उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए और काफ़ी गलतफहमियाँ उसके बारे में है, इसलिए कमेंट भी आ गए, कोई अच्छा बोल रहा कोई बुरा बोल रहा है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि हस्तमैथुन खराब नहीं है और क्यों खराब नहीं है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यह हमारे जो हॉस्पिटल है, यहाँ रिश्तेदारों के साथ में हम पेशेंट लोगों को भर्ती करते हैं, दूसरे हॉस्पिटल विस्तारों के अलावा पेशेंट लोगों को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं मनोविकार के लिए, सेक्स विकार के लिए, लैंगिक समस्याओं के लिए, और लोग अपना अपना इलाज कर लेते हैं। यहाँ भी आके लोग इलाज करते हैं। तो आज बताता हूँ कि भाई हस्तमैथुन खराब क्यों नहीं है। देखो, होता क्या है कि हस्तमैथुन ये नॉर्मल प्रक्रिया है, मगर हमारे पुराण में, वेद में, आयुर्वेदा में जहाँ वहाँ यही लिखा हुआ है कि हस्तमैथुन खराब है, वहाँ ये लिखा हुआ है कि वीर्य जो है ना वो पकड़ के रखना है, वो संभाल के रखना पड़ता है बॉडी में, क्योंकि वो बॉडी में हम संभाल के रखेंगे तो वो बहुत बड़ी ऊर्जा अपने दिमाग को भी देंगे और अपने बॉडी को भी देंगे। पूरा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। वीर्य संभालने की चीज़ नहीं है कि हम बॉडी में संभाल के रखेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे कोई एनर्जी वीर्जी कुछ मिलती नहीं है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। एक दो बार काम में आएगा, तीन बार काम में आएगा। सीमेन एग्जामिनेशन मतलब धातु का जब टेस्ट करते हैं, धातु की टेस्ट होती है, तो वो उसमें जब वीर्य में वीर्य जंतु जो रहते हैं मतलब स्पर्म्स, तो उसका काउंट रहता है 60 to 120 मिलियन पर सीसी, मतलब 60 दशलक्ष से लेके 120 दशलक्ष तक स्पर्म काउंट रहता है एक ml में। मतलब यदि हर एक स्पर्म यदि काम में आता है तो एक ml में इतने बच्चे तैयार हो सकते हैं, 60 दशलक्ष से लेके 120 दशलक्ष तक इतने बच्चे तैयार हो सकते हैं। उसमें काम को चाहिए एक ही, क्योंकि एक ही काम में आता है। वो जो अंडबीज रहता है फीमेल का, स्त्री बीज, उसके साथ में वो मिलता है और उसके साथ में मिलने के बाद में बच्चा पैदा होता है। बाकी तो काम में आते ही नहीं है, बाकी तो कोई काम के भी नहीं है। मगर लोगों में ये गलत फहमी है कि नहीं नहीं वीर्यनाश जो है ना उसका, यदि वीर्य का नाश किया तो मृत्यु आ जाता है जल्दी, ऐसा कुछ भी साइंटिफिक आधार नहीं है, साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि जो लोग वीर्य का नाश करते हैं या ब्रह्मचारी लोग हैं या जो वीर्य संभाल के रखते हैं वो ज़्यादा साल जीते हैं, ऐसा कोई साइंटिफिक बेसिस उसको नहीं है। कुछ भी नहीं है ऐसा कि वीर्य संभाल के रखेंगे तो बहुत साल जिएंगे, उससे कोई एनर्जी आती है ऐसा भी कुछ नहीं है, वो गमाने की चीज़ है, वेस्ट है। अदरवाइज़ ये देखिए कि जिसकी शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद में दो बार वो उसके दो बच्चे हो गए है ना, अभी दो बच्चे होने के बाद में, दो बच्चों होने के बीच में भी, बाद में भी, पहले भी लोग तो सेक्स करते हैं, संभोग करते रहते हैं, उसमें वीर्य जाता है। वीर्य कहाँ जाता है? शादी के बाद में वीर्य जाता है योनि में, और योनि में वीर्य जाने के बाद में जब वो लेडी उठ के खड़ी हो जाती है तो वीर्य कहाँ जाता है? बाथरूम में। वहाँ से कहाँ जाता है? नाले में। मतलब शादी के बाद में भी जब जब जहाँ जहाँ जब जब सेक्स आदमी करता है तो उसका वीर्य का क्या होता है? वीर्य लॉस ही होता है शादी के बाद में भी, अंदर रहता नहीं है वो, ना कोई आदमी के पेट में है ना कोई लेडी के पेट में जमा हो जाता है, वो तो नाश ही होता है उसका, वो तो बाहर गिरना ही है। फिर सवाल क्या आता है, यदि सेक्स औरत के साथ में करना वो यदि राइट है, उसमें भी वीर्य जा रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो औरत के साथ में सेक्स करो, योनि में लिंग का घर्षण करो और अंदर वीर्य डालो, एक वो हो सकता है जिसको बोलते हैं हम संभोग, और नहीं तो योनि के बदले हाथ जो है मुट्ठी, तो उसका जो है योनि जैसा छेद तैयार करो और लिंग के ऊपर घसो। ये यदि कर देते हैं तो ये वीर्य जो है वो दोनों में भी गिरने वाला है। इसमें क्या है, इसमें योनि जो है जो हाथ से की हुई है वो हिलेंगी, और जब स्त्री के साथ में करता है तो योनि में लिंग ऊपर नीचे हो जाता है, दोनों में भी लिंग में घर्षण होता है और दोनों इसमें भी वीर्य का नाश होता है, मतलब वीर्य अंदर गिरता है और वहाँ से वो वेस्ट होता है। तो फिर कैसा वेस्ट होगा? तो काफ़ी जगह लिखा हुआ है कि एक वीर्य का बूंद जो है तो एक वीर्य का बूंद वो 80 खून के बूंद के बराबर का है। कहाँ है ऐसा? कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब गलत फहमियाँ हैं। हाथ से करना, हस्तमैथुन करना, हैंड प्रैक्टिस करना कोई गलत नहीं है, कितना भी कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम है जब किसी को वो ऑब्सेशन हो चुका है या कंपल्शन है उसके बारे में कि नहीं वो करना ही पड़ता है, उसको मज़ा नहीं आ रही, उसमें एंजॉय नहीं कर रहा है वो,
और तभी भी उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसा हो गया वो, तो उसका इलाज करना पड़ेगा। क्योंकि वो बार 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 यदि हस्त मिथुन कर रहा है, 4 बार 5 बार 6 बार दिन भर में, और उसको करना है, वो जबरदस्ती का हो रहा है, करने की इच्छा नहीं है, एंजॉय नहीं कर रहा है, तभी भी हो रहा है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा। कि उसका इलाज है ओसीडी का इलाज, उसका इलाज हस्त मिथुन नहीं है। बाकी कितना भी किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास में कितने सारे लोग आते रहते हैं जो बोलते हैं कि अभी हमारी उम्र 50-55 साल की हो गई। क्या होता है कि हमारे कल्चर में ऐसा है कि एक बार लेडी की महावारी बंद हो गई तो उसकी इच्छा नहीं रहती है सेक्स करने, बोलती हाँ अभी क्या, अभी तो उम्र हो गई है। वैसे भी लेडीज जो है, महिलाएं हमारी, इसमें सेल्फ एक्सप्रेस नहीं है, तो वो सेक्स के लिए तैयार होती नहीं है, और उसमें फिर आदमी को प्रॉब्लम रहता है कि भाई उसकी इच्छा है, फिर उसने कहाँ करना। तो उसके बाद में भी मैं बोलते रहता हूँ, ठीक है भाई, आपस में झंझट करना, झगड़ा करना, या वो तैयार नहीं तभी भी उसको मनवाना, या फिर प्रॉब्लम तैयार करना, झगड़ा करना, इससे अच्छा है कि भाई आप हस्त मिथुन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि हस्त मिथुन में मज़ा आता है शादी के बाद में, और सेक्स भी करते रहते, दोनों भी करते रहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हस्त मिथुन कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसकी जो पत्नी है वो, उसको गर्भधारणा हो चुकी है, तो उसको वो प्रेगनेंसी में वो सेक्स करने के लिए डॉक्टर ने मना किया होगा तो वो उस समय कर नहीं सकता है, या उसको बीमारी है तो वो नहीं कर सकता है, या कहीं बाहर गांव गई है तो नहीं कर सकता है, या एमसी महामारी मासिक धर्म आया हुआ है तो नहीं कर सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे टाइमिंग्स रहते हैं कि जो उस समय सेक्स होता नहीं है, उस समय भी शादी के बाद में लोग हस्त मिथुन करते हैं, और शादी के पहले तो करते ही करते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लड़कियाँ भी हस्त मिथुन कर दिए, और लड़कियों ने भी हस्त मिथुन करना कोई गलत नहीं है, वो भी उनका जो क्लाइटोरिस रहता है, योनि लिंग, उसको स्टिम्युलेट करके लड़कियाँ महिलाएँ हस्त मिथुन करती हैं, वो भी नॉर्मली, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो ये गलतफहमी निकाल दो। ये कितने सारे लोग मुझे इसमें बताते रहते कि आप गलत बोल रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि आप बताओ इसको क्या साइंटिफिक बेसिस है कि हस्त मिथुन बुरा है, इसको बताओ ना साइंटिफिक बेसिस क्या है। तो आप बताएंगे नहीं, सिर्फ मुझे गलत बोलेंगे, इसमें कोई पड़ा नहीं है। तो ये ज़्यादा से लोगों को शेयर करो, इससे कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, ना लिंग का साइज छोटा होता है, ना नपुंसकता आती है, ना ताकत कम हो जाती है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। हस्त मिथुन ये नॉर्मल प्रक्रिया है, हस्त मिथुन कोई बुरा नहीं है, उसको करना चाहिए। उससे उल्टा बाहर जाने की, वेश्यागमन करने की इच्छा कम हो जाएंगी, और लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।